सिर्फ स्टार्टिंग में एफर्ट्स करे और बाद में वो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप हो जाए, राइट? ही शुड मेक दोस एफर्ट्स जो स्टार्टिंग में भी करे. ठीक है, मैं चाहिए नहीं. और कार रोक कर फिर मोहर मारे. इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं अलग ही दिखना होता है. This is so awkward. So awkward. ऐसे होने चाहिए. नहीं बोलो नहीं. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो. आजकल लड़कियों का जमाना है, लेकिन अगर शादी की बात की जाए तो गारंटी लड़कों को दी जाती है. उनसे पूछा जाता है कि बताओ भाई तुम्हें कैसी लड़की पसंद है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें लड़कियों से सवाल किया जाए कि बताओ तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, या तुम अपने फ्यूचर हस्बैंड को मैं क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करती हूँ. तो आज हम आए हैं दिल्ली की सबसे फेमस मार्केट सरोजनी नगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा लड़कियाँ एक टाइम में मिल सकती है. और उनसे ये सवाल करेंगे कि उन्हें अपने फ्यूचर हस्बैंड में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए और उन्हें किस तरह का हस्बैंड चाहिए. आपको आपके पति से, होने वाले हस्बैंड से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? He should support me in my career, you know, and also he should be true to his family and also to me. He should share every secret. There shouldn't be any secrets between us. And he should give me freedom according to my. He should not engage in my affairs, you know. Then I'm. Space होना चाहिए. Yeah, space, and also he should give me freedom to choose everything. And yeah, he should also give. Yeah, he should be truth and loyal. Blah blah blah. नहीं है. मुझे मेरा फ्रीडम चाहिए, चाहे शादी हो या शादी के बाद. मुझे मैं वैसे ही जीना चाहिए. आप कैसे जी रहे हैं वैसे ही जीना है. मुझे अपीयरेंस में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा कोई नहीं है. बस सपोर्टिव. या सपोर्टिव, केयरिंग तो होना है, लविंग भी होना है. ऐसा तो है नहीं कि हम लड़कियां ज्यादा सोचती हैं कि वो इमरान हाशमी की तरह आए और कार रोक कर फिर हम ऑफर मारे. ऐसा कुछ भी नहीं. रैंडमली आके अगर हमसे प्यार से बात करेगा, और जरूरी नहीं है ज्यादा ह्यूमन बातें करे, नॉर्मल बातें करे, प्यार से बातें करे, तो भी हम इम्प्रेस हो सकते हैं. नॉर्मल प्यार से नॉर्मल लड़के हम लड़कियों को पसंद आते हैं. ठीक है, आप लोग बताओ. लड़की सोचते हैं इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं अलग ही दिखना होता है. नथिंग लाइक दैट. वो जैसे हैं वैसे भी पसंद आते हैं. रियल रियल बी रियल. बोले कभी झूठ ना बोले. क्या क्या क्या? हमेशा सच बोले, कभी झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ आगे जाके पकड़ा जरूर जाएगा. झूठ पसंद नहीं है भाई लड़कियों को. अबाबाजी वाले लड़के पसंद. अबाबाजी वाले लड़के पसंद. और कुछ? एकदम फ्रैंक वाले. एकदम फ्रैंक भैया. फ्रैंकली बोलना चाहिए. फ्रैंक लड़के पसंद है, हवाबाजी वाले लड़के नहीं पसंद है. सिंपल, डिसेंट और झूठ ना बोले. हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. हमें कोई अच्छा लड़का चाहिए. मतलब आपका हस्बैंड कैसा होना चाहिए? क्या सिंगल ही? ठीक है, मैं चाहिए नहीं. सिंगल बेस्ट है. मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब लड़के नहीं चाहिए. मुझे हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कम्युनिकेशन गैप ना हो. हाँ. और केयरिंग. केयरिंग. ओके. बस. और कोई लड़का आपको कैसे इम्प्रेस कर सकता है? एफर्ट्स डाल. किस तरह के एफर्ट्स? टाइम पे आए. जवाब देने के लिए तो चलो पूछते हैं कि आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन है. मतलब फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, चिंता करे और समझदार होना चाहिए. इम्प्रेस कर सकता है इफ ही लाइक्स यू. इम्प्रेस वैसे तो होगा नहीं. दैट्स वेरी डिफिकल्ट. बट ही कैन ट्राई. Yeah. How? He should be genuine. Okay. Not so cheesy.
Okay. And नहीं like genuine रहना है like starting में lies and all kind of God this is so awkward. So awkward. What do you expect from your future husband? अपने future husband से आप क्या expect करते हो कि वो कैसा हो? क्योंकि generally लड़कियों से नहीं पूछा जाता है कि उनका husband कैसा, आपको कैसा husband चाहिए? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप answer करो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो शादी नहीं करनी है, तो आई एम नॉट रियली श्योर बट या ऑनेस्ट लॉयल एंड लविंग केयरिंग सिंपल. आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज आई डोंट एग्जैक्टली नो. केयरिंग सपोर्टिंग तो सभी होते हैं लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए ना. फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्या कहूँ, ट्रस्ट और एक दूसरे पे बिलीव होना चाहिए. That's it. That's it. मेरे हस्बैंड वाली है. कोई अदर फिर भी मतलब इनके लिए बता दो फ्यूचर के लिए कि ये प्रिपेयर है कि हाँ ये सारी चीजें सीख लेनी चाहिए. इसी तरीके से मेरे साथ शॉपिंग में आया और बैग पकड़ के घूम रहे हैं. ये मेरा वो है. इसी तरह शॉपिंग में आया और मेरे बैग पकड़े. हाँ अपने फ्यूचर हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो कैसा होना चाहिए? ऐसे होने चाहिए. अपना रियल सेल्फ बिल्कुल ऑथेंटिक हो एंड नीड्स टू बी फनी. आई फॉर्चुनेट फील मुझे किसी लड़की में पहली चीज़ पसंद आती है वो आती है उसके एटीट्यूड्स, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, उसका ड्रेसिंग सेंस ऑब्वियसली, एंड देन कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है. आई मीन अगर तुम होटल में जा रहे हो अगर तुम्हारी ही इज नॉट पुलिंग अप द चेयर आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब यूट्यूब पे क्या होगा इसके ऊपर ना बहुत जगह कमेंट करेंगे. आई एम प्रीटी श्योर मिले. ये देखो जनरेशन क्या है.